किस अधिनियम के तहत वॉरेन हेस्टिंग बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बनाए गए? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1793 का चार्टर एक्ट, 1813 का चार्टर एक्ट और 1833 का चार्टर एक्ट। किस एक्ट के तहत इनको बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया था? वेरी इजी क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। आपको पता होगा कि इससे पहले 1757 में जब प्लासी की लड़ाई हुई थी तो बंगाल के प्रथम गवर्नर बनाए गए थे रॉबर्ट क्लाइव को, है ना। 1757 में जब प्लासी की लड़ाई हुई थी तो रॉबर्ट क्लाइव को किसे बनाया गया था? रॉबर्ट क्लाइव को बंगाल का गवर्नर बनाया गया। ये सिर्फ बंगाल के गवर्नर थे, है ना, बंगाल के प्रथम गवर्नर। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया था 1773 में वॉरेन हेस्टिंग को, मतलब ये बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ते, इसके तीनों के थे, बॉम्बे, मद्रास और बंगाल तीनों के गवर्नर जनरल थे, है ना। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, ए इज द राइट। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत बनाया गया था इन्हें बंगाल का गवर्नर जनरल। एक क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है कि सबसे पहले जो कंपनी पर अंग्रेजों ने, ब्रिटिश सरकार ने जो शिकंजा कसा था, उसको जो नियमित रूप से रोका था, वो कब रोका था? तो ये भी क्वेश्चन का आंसर लिख लीजिएगा कि 1773 में जब रेगुलेटिंग एक्ट आया था, रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो है ब्रिटिश सरकार ने कंपनी पर शिकंजा कसा था, उस पर ब्रेक लगाया था, उस पर क्या किया था, नियंत्रण स्थापित किया था, है ना। तो 1773 का ही रेगुलेटिंग एक्ट आया था जहां पर से जो है ब्रिटिश सरकार ने कंपनी को रेगुलेट करना चालू कर दिया था। ये नोट कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है ना। तो ये दोनों क्वेश्चन आपका यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा कि 1757 में बंगाल के प्रथम गवर्नर, सिर्फ और सिर्फ वो बंगाल के गवर्नर थे, वो रॉबर्ट क्लाइव थे। 1773 में जब वॉरेन हेस्टिंग साहब आए तो यहाँ पर रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया और रेगुलेटिंग एक्ट में कंपनी पर शिकंजा कसा गया, कंपनी को रेगुलेट किया गया, और इसके साथ साथ क्या किया गया कि इन्हें मद्रास प्रेसिडेंसी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी और उसके साथ साथ कलकत्ता प्रेसिडेंसी का गवर्नर जनरल बना दिया गया। यानी तीनों के तीनों जो है, तीनों क्षेत्र के गवर्नर जनरल जो है अब कौन होंगे? वॉरेन हेस्टिंग होंगे। कहने का मतलब ये है कि गवर्नर जनरल जो वॉरेन हेस्टिंग है, ये बंगाल के तो होंगे ही होंगे, इसके अंडर में मद्रास प्रेसिडेंसी भी आ जाएगा और बॉम्बे प्रेसिडेंसी भी आ जाएगा। आई होप कि आप लोगों को ये समझ आया होगा।